मेरे डैड ने मुझे हमेशा से ये चीज सिखाई है कि होमवर्क बहुत जरूरी है, तो इनने जो तारीफ की हार्ड वर्किंग, यू नो इट कम्स फ्रॉम दिस। सो सजीरी बनने के लिए मैं रियल लाइफ में भी कुछ कुछ चीजें सजीरी की डे टू डे करती हूँ, सो दैट मैं मेरे कैरेक्टर से और कनेक्ट कर पाऊँ। एक्चुअली दिस शोज हैव एवरी फ्लेवर की, मतलब सब सब एज ग्रुप के लोग बहुत मजे से देखेंगे और सबको मजा भी आएगा। रोम कॉम इंडियन टेलीविजन पे राइट नाउ किसी भी चैनल पे किसी भी स्लॉट पे नहीं है। सो ये आपको मेन अट्रैक्शन में बता रहा हूँ हमारे शो का। इट्स अ लवली रोम कॉम, वेरी लाइट हार्टेड शो। जब भी देखोगे शो के एंड में एक स्माइल आएगी, दैट इज माय पर्सनल गारंटी। हाय गाइस, दिस इज साची सचदेवा। हाय गाइस, दिस इज अविनाश मिश्रा। दिस इज प्रेरणा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है अविनाश मिश्रा, प्रेरणा सिंह और आची सचदेवा, जो कि नजर आने वाले हैं स्टार प्लस के नए शो मिठा खट्टा प्यार हमारा में। हमने पहले भी दो बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर कई कहानी देखी है, लेकिन ये शो किस तरह से अलग होगा और ये शो किस तरह से बाकी शो से अलग होगा? वेल डेफिनेटली दो लोगों पे पहले स्टोरीज बनी है, दो बेस्ट फ्रेंड्स पे भी बनी है, लव ट्रायंगल भी देखा है आप लोगों ने, बट I'll just come to the attraction part of the show, which is the rom-com. Rom-com Indian television पे right now किसी भी channel पे किसी भी slot पे नहीं है. So ये आपको main attraction में बता रहा हूँ हमारे show का. It's a lovely rom-com, very light-hearted show. जब भी देखोगे show के end में एक smile आएगी. That is my personal guarantee. Agreed on that. I think Hindi television पे अपने कभी ऐसा rom-com नहीं देखा होगा definitely, because आज तक आपने वही typical drama, love stories, triangles देखे होंगे, but हमारे में It has everything. हर चीज का सही स्वाद अनुसार मसाले हैं, जो हर एक एज ग्रुप के लिए यू नो बहुत रिलेटेबल है। आप चाहे टीनेजर हो, चाहे आप काफी सीनियर हो, आई थिंक एवरीवन विल फाइंड समवेयर और द अदर ऐसा कैरेक्टर जिनसे वो पर्सनली अटैच हो पाएंगे, पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे। सो या एक्चुअली दिस शोज हैव एवरी फ्लेवर की, मतलब सब सब एज ग्रुप के लोग बहुत मजे से देखेंगे और सबको मजा भी आएगा। कि जो शाम की चाय है ना, वो तो आपकी हमारे शो के साथ ही होने वाली है। चाय, बिस्किट और नमकीन, बिस्किट मीठे, नमकीन खट्टे, और वैसे ही हमारा शो खट्टा मीठा। क्या चेंजेस लाया आप सभी ने अपने आप में ये कैरेक्टर्स में आने के लिए? Well, I guess, this character is more about perfection and perfection. To be honest, Avinash mein I don't see that perfection because I feel nobody is that perfect. So character mein wo lana hota hai. Plus, I'll tell you the small things what we do while shooting. Like everything has to be perfect. Like the dress perfectly. Agar wallet nikala hai to usme paise bhi perfectly rakh rahe hain. To wo sab cheeze ek add-on hai jo ek character ko on screen ek alag essence deta hai. So we have worked on that. Baki it's a very positive, decent character and very relatable. I'm sure ki jo dekhenge wo acche se relate kar lenge isse. मतलब शी इज़ लाइक वेरी मॉडर्न, वेरी क्लासी, जैसे कि आजकल की लड़कियाँ होती हैं, तो शी इज़ लाइक दैट। बट हाँ, शी इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी, गुस्सा उसकी नाक पे बैठता है। मतलब वो उस मेरे को ऐसा लगता है शायद जब मैं ऑन स्क्रीन होती हूँ कि मैं सड़ती रहती हूँ, बस एक दिन मैं सड़ सड़ के सड़ी जाऊँगी। नहीं, वो मैं स्क्रीन पे नहीं करती हूँ, वो मैं जब मुझे कोई बात पसंद नहीं आती या मैं अनॉइंग होती हूँ, मैं ऐसा शक्ल बनाती हूँ कि नहीं अच्छा लगा। मतलब माय फेस इज लाइक कि जो मेरे अंदर होगा ना, इमोशन जो मेरे अंदर होगा, आपको मेरे चेहरे पे साफ साफ दिखेगा। तो शी इज लाइक दैट। बट सांची इतना सड़ती है ना, शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर। शी इज एक्चुअली शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ना थोड़ा सा चीजों को आरसी इज लाइक कि थोड़ा लेट गो करती है। चलो ठीक है ठीक है, एक बार हो गया, दो बार, तीसरी बार फिर चपेड़ पड़ती है। आ गया मेरा पंजाब। तो हाँ, एक बात आपको और बतानी है, वैसे मैं इसको ना पंजाबी सिखा रही हूँ। ओह, वी लव इट। कैसे सीख रहे हो आप पंजाबी, बोल के दिखाओ। बढ़िया। मतलब ही इज लाइक बढ़िया, कैसे बोलते हो? बढ़िया, गुड प्रोग्रेस। सो रही बात सजीरी की, एक्चुअली काफी सिमिलर है, मेरे से काफी मिलती है सजीरी, बट मैं इंजीनियर हूँ और मेरे डैड ने मुझे हमेशा से ये चीज सिखाई है कि होमवर्क बहुत जरूरी है, तो इनने जो तारीफ की हार्ड वर्किंग, यू नो इट कम्स फ्रॉम दिस। सो सजीरी बनने के लिए मैं रियल लाइफ में भी कुछ कुछ चीजें सजीरी की डे टू डे करती हूँ, सो दैट मैं मेरे कैरेक्टर से और कनेक्ट कर पाऊँ। जिस तरह वो चीजें संभालती है, जिस तरह उसकी स्पीड है करने की चीजें, जो नजाकत है,
वो रियल लाइफ में प्रेरणा में भी है, सोच विचार मिलते हैं, बट उससे मैं जुड़ सकूं इसलिए वो डेली लाइफ में पैकअप के बाद भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। आजकल ऐसा हो गया है कि जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी, आजकल मैं दोस्तों से सजीवी जैसे बातें करती हूँ। तो हाँ, अगर बात किया जाए आप तीनों के बॉन्ड के बारे में, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कैसा रहा है और कितना आप सभी ने एक साथ वक्त स्पेंड किया है शूटिंग के समय? आपको दिख रहा होगा इस वक्त, ये आई थिंक हमें जवाब देने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। इट्स गोइंग रियली ग्रेट, इट्स गोइंग रियली ग्रेट। प्रोफेशनल बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, वो ऑन स्क्रीन आप देखोगे, एंड द पर्सनल बॉन्ड व्हाट वी हैव ऑफ स्क्रीन दैट इज आल्सो रियली अमेजिंग, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट कर जाता है टू योर प्रोफेशनल लाइफ। सो आई एम ग्लैड कि वो चीजें हम लोग अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं इन ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा, एंड आई होप ऐसा ही चलता रहे हमेशा। जब आप तीनों को ये शोज ऑफर्स हुए थे तब आप सभी का रिएक्शन क्या था ये शो को लेकर? बहुत सिंपल रीजन था मेरा, मैं बहुत बिजी थी अपने काम में, बट जब ये कैरेक्टर आया था, वो बोलते ना एक दिल की आवाज कहती है कि नहीं ये तुम्हें करना चाहिए, एंड मेरे मुंह से ये निकला था मम्मा ये मेरा ही है, ये मुझे करना है, पता नहीं क्यों कैसे क्या, बट दैट जस्ट थॉट आया एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है करके देखते हैं। सो इट्स जस्ट दैट वो गट फीलिंग कह लो या वो दिल की इनर वॉइस कह लो, एंड मैंने जब ये कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, मुझे बहुत प्यार हो गया इस कैरेक्टर से, तो मैं बिना एक थॉट के, बिना एक क्वेश्चन के, आई वाज लाइक चलो कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर इट, बाकी भोले ना देख लेंगे। तो साची जब पहले इस कैरेक्टर का नाम अनन्या था, तो मेरे को ऐसे अनन्या के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था कैरेक्टर, तो जब मुझे साची का पता चला था तो आई वाज लाइक कि मतलब शी इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ गीत, जब भी मेट की गीत जैसी लड़की कि बस बोले जा रही है, बस जो मैं बोल रही हूँ ना वही ठीक है और किसी का उसको फर्क नहीं पड़ता, शी इज लाइक दैट। तो मुझे ना बहुत बबली सा, मतलब मैं इस कैरेक्टर की जब ब्रीफ पढ़ रही थी तो मैं उसी को ही एंजॉय कर रही थी, देन आई वाज लाइक कि जब इसको प्ले करूंगी तब कितना मजा आएगा, एंड एक्चुअली पब्लिक को कितना मजा आएगा इसको देखने में। तो या मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको पढ़ा कि शी इज फुल ऑफ लाइफ, तो मेरे को ऐसा लगा, तो दैट्स व्हाई। Well, a really good concept. That is the first thing. The second thing, totally opposite from my last character. So as an actor, challenging tha, so I had to do this. Audience ke liye ek message ho jaye. Well, thank you so much for all the love, and I'm sure ki aap logon ko promo bahut acha laga hai. And abhi hum aa rahe hain aapke screen pe daily aayenge shaam ko 6:30 baje from 24th April. So do watch our show. और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए, ऐसे हमें ढेर सारे wishes देते रहिए, day make a day. I'm very very grateful. आपके प्यार, इतने सारे edits. Very actually, your blessings are very important for us. Sending lots of love to each one of you. Your support is very important for us. So, आप सभी ऐसे प्यार देते रहिए जैसे आप देते हैं. And watch our show 24th of April, 6:30 only on. नाम बताओ शो का, चलो दोनों. मीठा खट्टा प्यार हमारा. चलो मिलते हैं 24 तारीख को याद से. See you guys.